नमस्ते, मैं हूँ शताक्षी गुप्ता। बी अलर्ट बी केयरफुल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है डॉक्टर प्रभा सिंह, जो एक नेचुरोपैथ है। चलिए तो आज नेचुरोपैथ के बारे में उनसे भी कुछ बातचीत की जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रभा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि सभी बीमारी का जो जड़ है, जो जहाँ से शुरुआत होती है, वो कहते हैं पेट, पेट सफा तो हर रोग सफा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो यहीं से आप कुछ बताइए कि कैसे किया जाए कि आपका पेट हमेशा साफ रहे। आप क्या खाते हैं, उपटान जो भी खा लेते हैं, उस किस तरह से आप नेचुरोपैथ में इसको किस तरह से बताना चाहेंगे? थैंक यू कि समय समय पर आप बी एलर्ट में आकर हम सारी महिलाओं का स्वागत करती हैं, और इस रूप में कि भाई किस तरह से हम अपने पेशेंट को ठीक करें बिना सुई दवाई दिए और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना। जी, तो मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम जब इलाज करते हैं किसी भी अपने पेशेंट का, तो उसका पेट साफ ही करते हैं। तो पेट साफ करने के लिए आपको एक तो भोजन में आपको अपना ध्यान देना होगा कि कॉस्मेटिक फूड वगैरह ना खाए, जंक फूड वगैरह ना खाए, बासी खाना ना खाए, ताज़ा खाना खाए, गरम गरम बनाए उसको तुरंत खाए। तो ये तो रही उनके खान पान की बात। दूसरा है कि मैं नेचुरोपैथ साइंटिस्ट होते हुए मैं एक रिसर्च की हूँ। मेरा रिसर्च है जो चून है जिसको देने से आपका पूरा पेट साफ हो जाता है, आपका थायराइड भी गायब होगा, मोटापा गायब होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, और हमारी महिलाओं का जो मेंसिस प्रॉब्लम होता है वो भी इससे सॉल्व होता है। ये छोटे बच्चों को भी दे सकती हैं, मात्रा में उसका बताती हूँ, कम बताती हूँ खाने का, तो उनका भी है जो कफ वगैरह है या उनको भूख नहीं लगती है, जो आजकल बड़ी समस्या है हमारे पास। उनकी छोटे बच्चों की माँ आती हैं दिखाने की, खाता ही नहीं है, ये ब्रेड मांगता है, मैगी मांगता है और भूख नहीं लगती है, घर का खाना नहीं खाता, तो मैं उसके लिए भी ये चूर्ण प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते मैं सारी महिलाओं को या पूरी जनता को उनको पूरा अलर्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना पेट साफ रखें, और पेट साफ रखने के लिए आपका खान पान शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और आके आप चूर्ण आके हमसे वो कर सकते हैं, ले सकते हैं, और नहीं तो जो हम खाना पीना बोले हैं कि कॉस्मेटिक फूड वगैरह ना खाएं, और जितना हो सके अपने बॉडी में फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएं। अच्छा, मैं अभी जैसे आपने पीरियड्स की बात की थी, तो बहुत लोग हैं, बहुत महिलाएं या बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर टाइम पर नहीं होता, तो उसके लिए आपका ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है? प्रोडक्ट काम करता है कि देखिए, पेट हमारा जब ख़राब रहता है तो खिंचाव हमारे यूट्रस पर भी आता है। अगर मान लीजिए कि पाइस की शिकायत हो, खूनी लैट्रिन हो, पेट नहीं साफ है, तो उस पर प्रेशर, महिलाएं प्रेशर आता है उनके यूट्रस पर, और उनके हार्मोन्स गड़बड़ी रहती है जो जन्मजात होता है, तो उनके लिए जो है उनको हार्मोन्स ठीक करना चाहिए, मतलब इलाज वगैरह, जैसे कि मड थेरेपी है उनका, हम लोग देते हैं पेट पर पट्टियाँ वगैरह देते हैं मिट्टी का, तो वो सब बैलेंस हो जाता है। और ये चून खाएंगी तो पेट साफ होगा, तो उस पर दबाव नहीं आएगा, उनके यूट्रस पे दबाव नहीं आएगा, और एसिडिटी गैस बनने से भी वो जाके उनको नुकसान होता है, पीरियड में उनको पेन होता है। और रही बात उनके क्लोटिंग भी जाते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस जाते हैं जो 30 साल में उनकी मेंसेज ही ख़त्म हो गई है। वो क्यों? लेकिन उसका भी कारण यही है कि एक तो उनका बहुत कमज़ोर होती हैं, खान पान उनका जो खान पान है ठीक नहीं रहता है, इतनी वीक होती हैं, और लो ब्लड प्रेशर होता है, तो उनकी खून की कमी मतलब बंद होने लगता है। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर यूट्रस में फेब्राइड हो जाए या छोटे छोटे स्टार्टिंग होते हैं तो उससे भी होता है, या कहीं मान लीजिए DNC वगैरह करा ली हो, आजकल तो जानती हैं कि ये सब बहुत अच्छा। जैसे कि आपने बताया 30 साल में, वैसे मैक्सिमम जो ये टाइम है कितने साल तक? हाँ, इनको देखिए किसी किसी का तो बहुत 55-60 तक जाता है, या 50 के बाद ही जाना चाहिए। मैक्सिमम आपका जो ये पी एस है 50 तक रहना चाहिए? हाँ, 50, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मान लीजिए किसी का 30-35 में बंद हो रहा है, तो उसके लिए उससे पहले ही वो ऐसा क्या करे जो आगे चल के मतलब 50 साल तक रहे? हाँ, तो भाई नेचुरोपैथ में क्या कर, मैं इलाज करती हूँ, तो जिसका बंद हो जाता है मेंसिस समय से आने लगता है, और मैं उनका खान पान भी लिखती हूँ, मड थेरेपी भी देती हूँ, वाटर थेरेपी देती हूँ, और पूरा उनका मेंसिस समय से आने लगता है और ठीक हो जाती है। कितनों का इलाज किया, जिनको बच्चा हुआ उस उम्र में,
अच्छा। नहीं हो रहा था। तो अगर अगर किसी के पेस बंद हो जाते हैं तो नेचुरोपैथ में अगर चाहें तो इलाज है? हाँ बिल्कुल। कि वो शुरू हो सकता है? हाँ। या फिर पहले से कुछ ऐसी सावधानी रखें कि जो आपका 50 साल तक चलता रहे? चलता सावधानी रहे, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंसेज में तो मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, फ्रूट्स की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो, जैसे सलाद वगैरह ज़्यादा हो, वॉकिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन में रहें और टेंशन तनाव ना। अच्छा, टेंशन टेंशन तनाव से भी आजकल हमारी महिलाएं सर्विस भी करती हैं और घर का भी काम काज देती है, बच्चों का भी भार है, तो अपना तो केयर ले ही नहीं पाती, न समय से सोना न समय से खाना, तो इसका भी कारण है उनका मेंसिस प्रॉब्लम का कि वो आराम नहीं कर सकती। देखते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल से आती हैं और 15 दिन 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के बाद सर्विस में चली जाती हैं और उसमें बहुत वीक रहती हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको आराम करना चाहिए और छुट्टी मिलता ही है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट में भी हो तो छुट्टी लें, अपना ध्यान दें। ये मेरी तरफ से मैं उनको अलर्ट कर रही हूँ ऐसा ना करें। जी, जैसा कि मेरा भी चैनल बी अलर्ट बी के जी जी, तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन के लिए भी अगर आपके नेचुरोपैथ में कुछ एक छोटा सा टिप्स देना चाहें तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कि स्किन भी हमारी कितनी अच्छी ग्लो करती रहे 50 साल तक। 50 साल तक नहीं, 70-80 साल। हाँ हाँ, जब तक हो रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये है कि मैं उनको फेस पर भी नेचुरल चीज़ लगाने के लिए देते हैं, जैसे ऑरेंज जूस है, मौसमी जूस है, लेमन है, कुकुम्बर है और सेव है, जो जूस वो पीती हैं और उनको सूट करता है, जैसे उनको सूट करता है, दस्त नहीं आता है या गैस नहीं बनता है, वही जूस लेकर पिए और थोड़ा सा लेकर फेस पे भी लगाएं। और फेस पे लगाने का, जैसे बहुत महिलाएं आती हैं कि डॉक्टर साहब हम लगाते हैं तो उसको चेकिंग कैसे करें कि इरिटेशन ना हो, ये पैदा ना हो, कभी कभी भाई आजकल तो मिलावट फ्रूट्स में भी आ रहा, सब कुछ आ रहा है, तो घबराती हैं, तो मैं उनको टिप्स देती हूँ कि थोड़ा सा जूस लेकर पीने के बाद थोड़ा सा निकालिए चम्मच में और यहाँ लगाइए साइड में, पूरे फेस पे नहीं। अगर इरिटेशन होता है या रेड रेड होता है, खुजली होता है, इट मीन्स कि ये आपको नहीं सूट करेगा। तो आपका कहने का मतलब कुछ जूस आपके बॉडी के लिए भी सूट नहीं करता, मतलब आपको जो बॉडी में सूट करे वही आप स्किन पे भी लगा दीजिए। हाँ, यस यस, क्योंकि जो हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जब उसमें कमी आता है किसी भी विटामिन की या कोई भी बीमारी आती है तो ब्लड में ही आती हैं जी, चाहे शुगर हो या हार्मोनस हो, ब्लड चेकिंग कराते हैं तो उसी में सब आता है। उसको एकदम प्योर रखें, शुद्ध रखें। और दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि बी अलर्ट चैलेंज ही है, जो वो अलर्ट रहे अपने स्वास्थ्य के प्रति। और आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप समय समय पर आकर हम लोग का इंटरव्यू लेकर दर्शक तक पहुँचाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखते रहिए बी अलर्ट बी केयरफुल। Please subscribe my channel and press bell icon.